पत्र और उल्टा गया पत्र, समझ लेना बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की। जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है मारा। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते, करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोलिए कहाँ होना चाहिए, नंदी की ओर, और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है।